अयोध्या काशी मथुरा के बाद अब क्या आगरा के ताजमहल की बारी है? क्या जहां ताजमहल बना हुआ है वहां पहले भगवान शिव का मंदिर था? ताजमहल में मुमताज का मकबरा है या फिर शिव का धाम? दुनिया भर में मोहब्बत का पैगाम फैलाने वाला ताजमहल एक बार फिर से विवादों में आ चुका है। ताजमहल को लेकर एक बार फिर से हिंदू संगठन मजबूत दावा करने लगा है। ताजमहल को लेकर किसका दावा मजबूत है या कमजोर, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो सावन के महीने में ताजमहल पर दावेदारी और सियासत छिड़ी हुई है। सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ियों के जल चढ़ाने को लेकर उत्तर प्रदेश के साथ ही बीजेपी शासित कई राज्यों में सियासत लगातार गर्म है। ऐसे में ताजमहल से आए एक वीडियो ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। ताजमहल की सुरक्षा को ठेंगा दिखाते हुए दो युवक पानी की बोतल में गंगा जल लेकर ताजमहल के अंदर मकबरे के तहखाने तक पहुंच गए और उसके बाद वहां जलाभिषेक करने लगे। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा। जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दो युवक ताजमहल के अंदर जाते हैं, उनके हाथों में पानी की बोतल है, युवक सुरक्षा कर्मियों को छकाते हुए आसानी से मकबरे तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद मकबरे में बोतल के पानी से जलाभिषेक करते हैं। एक युवक जलाभिषेक कर रहा था और दूसरा युवक इस पूरी घटना का वीडियो बना रहा था। CISF के जवानों ने दो युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया। युवकों ने बताया कि वो हिंदू महासभा से जुड़े हैं और दोनों हिंदू धर्म के हैं। CISF ने इन दोनों युवकों को पुलिस को सौंप दिया है, जिसके बाद इन दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है। युवक ने वीडियो बनाने के बाद उसे वायरल कर दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। ऐसा नहीं है कि ताजमहल को लेकर हिंदू संगठनों की तरफ से किया गया ये दावा कोई पहली बार किया गया हो। पिछले कई सालों से हिंदू संगठन की तरफ से ताजमहल को हिंदू मंदिर होने का दावा किया जाता रहा है। सावन का महीना चल रहा है, इसीलिए इस मुद्दे को भी हवा देने की कोशिश की जा रही है। अभी बीते 29 जुलाई को अखिल भारतीय हिंदू महासभा की आगरा जिला अध्यक्ष मीना राठौर की कांवड़ लेकर ताजमहल के पश्चिमी गेट पर पहुंची थी। इस दौरान ताज सुरक्षा पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। उसके बाद उन्हें शिव मंदिर में जलाभिषेक करवाया गया। हिंदूवादी नेताओं का दावा है कि ताजमहल मकबरा नहीं है, ये शिव मंदिर है। इसका नाम तेजो महालय है, इसीलिए लंबे समय से ताजमहल या तेजो महालय का विवाद बना हुआ है। बीते दिनों कोर्ट में हिंदू संगठनों की ओर से वाद दायर करके सावन महीने में तेजो महालय का जलाभिषेक और दुग्ध अभिषेक की मांग भी की गई। ताजमहल के सर्वे और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का प्रार्थना पत्र भी दिया गया था। इसकी सुनवाई 13 अगस्त को होनी भी है। दुनिया का सातवां अजूबा और प्रेम के निशाने ताजमहल आजकल सुर्खियों में है। ताजमहल का निर्माण 1632 में मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल की सफेद सुर्ख संगमरमर खूबसूरती दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसीलिए इसे मोहब्बत की निशानी भी कहते हैं। लेकिन वही ताज फिर विवादों में है। ताजमहल को लेकर भी हिंदू और मुस्लिम समाज फिर से आमने सामने हैं। मुगल काल में बने ताजमहल के तहखाने क्यों नहीं खुले, वो भी एक बड़ा रहस्य है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर लखनऊ खंडपीठ को भी फटकार लगाई थी। हिंदू समाज का एक तबका भी है तो ताजमहल को तेजो महल होने का दावा करता है। दावा है कि ताजमहल से पहले यहां शिव का मंदिर था। इसको लेकर साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था। फिर साल 2015 में एक अधिवक्ता ने वाद दायर किया था, लेकिन केंद्र सरकार और SI ने यहां मंदिर यहां शिवलिंग होने से इनकार कर दिया था। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने खुद कहा था कि यहां मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं है। बावजूद इसके हिंदू महासभा ये मानने को तैयार नहीं, वो लगातार आगरा के ताजमहल में शिव मंदिर होने का दावा करती आ रही है। ताजमहल में मंदिर होने के दावे के पीछे हिंदू समाज का दावा है कि वहां पच्चीकारी में फूलों में ओम की आकृति बनी है, कमल के फूल और त्रिशूल जैसी आकृति बनी है, मकबरे के पास गौशाला बनी है। इसके अलावा मोहब्बत खाना और गलियारे के होने को लेकर भी हिंदू समाज लगातार सवाल उठाता रहा है। वहीं हिंदू समाज की यह भी मांग है कि ताजमहल के तहखाने के भीतर 22 कमरे हैं जो मुगल काल के जमाने से बंद क्यों हैं? ताजमहल से आई तस्वीरों को देखकर क्या समझा जाए, क्या अयोध्या काशी मथुरा के बाद अब आगरा के ताजमहल पर भी हिंदू पक्ष कोई बड़ा दाव ठोकने की तैयारी में है? क्या सावन के महीने में जलाभिषेक के जरिए हिंदू महासभा ताजमहल में मंदिर होने के दावे को फिर से हवा देना चाहती है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि कई बार हम मूल मुद्दों को छोड़कर ऐसे विषयों में उलझ जाते हैं जिससे आम आदमी के जीवन शैली पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता।
आम आदमी को आज सबसे ज्यादा जरूरत है तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की, जिसको लेकर सबको सोचना पड़ेगा।